CSE, ITEC भैया कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करें? भैया ब्रांच को प्रेफरेंस दें या कॉलेज को प्रेफरेंस दें? इन तीनों ही ब्रांचेस में डिफरेंस क्या है? तो इस आज के वीडियो में हम CSE, ITEC के बारे में सारी चीजें कवर करने वाले हैं कि ये ब्रांचेस होती क्या है, क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, कैसे काम करती है ये, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है, बहुत सारी बातें हम लोग कवर करने वाले हैं। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं CSE का बोलबाला है क्यों, आखिर सबको CSE क्यों चाहिए। नंबर वन, प्लेसमेंट्स। हम लोग यार देखते हैं आज के टाइम पे जो हाईएस्ट पैकेजेस जाते हैं, जैसे 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख, तो ये हमें CSE, ITEC जैसी ब्रांचेस में देखने को मिलते हैं। अगर आप कोर ब्रांचेस में देखोगे तो आपको शायद इतने अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं मिलते हैं। नंबर टू, पेरेंट्स। आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स ना न्यूज आर्टिकल वगैरह में देख लेते हैं कि यार शर्मा जी के लड़के को 2 करोड़ का पैकेज मिल गया एंड वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कंप्यूटर साइंस बढ़िया चीज है, तो बच्चे का एडमिशन CSE में ही होगा। नंबर थ्री, काउंसलर। आप किसी भी काउंसलर के पास जाओगे चॉइस फिलिंग या फिर काउंसलिंग के लिए, सबसे पहले वो आपको यही बोलेंगे कि CSE को हमेशा ऊपर रखो, लाइफ शॉर्ट है। नंबर फोर पे आ जाता है इंटरेस्ट। अब काफी लोगों का इंटरेस्ट होता है, कोई 11th 12th में कोडिंग कर रखा होता है, ठीक है, उसको लगता है हाँ यार कोडिंग में मजा आ रहा है, ठीक है मेरा इंटरेस्ट है तो मैं CSE, ITEC जैसी ब्रांच ले लेता हूँ। तो मेनली ये 3-4 रीजन हमें देखने को मिलते हैं जिनके कारण ज्यादातर लोग CSE, ITEC जैसी ब्रांच ऑप्ट करते हैं। अब इससे पहले मैं ये समझाऊँ कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच होती क्या है, आईटी ब्रांच होती क्या है, एसी ब्रांच होती क्या है, थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि CSE एंड आईटी में फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हमें क्या देखने को मिलती है। तो जैसे आप सभी को पता है सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है आजकल, अगर कोई ऑफलाइन स्टोर है तो उसकी जो रीच है वो लिमिटेड है, वो अपने एरिया के आसपास ही वो प्रोडक्ट को सेल कर पाए। लेकिन अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है तो आप हर जगह अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सपोज कोई टीचर है, वो एक क्लास में 70-80 स्टूडेंट्स को एक बार में पढ़ा सकता है, क्लास ज्यादा बड़ी होगी तो 200 स्टूडेंट्स को, लेकिन ऑनलाइन वो हजारों लाखों स्टूडेंट्स को सेम टाइम पे पढ़ा सकता है। तो ऑनलाइन आपको रीच ज्यादा मिलती है, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, आप स्केल कर सकते हैं, तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं। एंड आज के टाइम पे हर चीज में आपको टैग देखने को मिल रहा है, ठीक है, पहले किसी को पैसे भेजने होते थे तो बैंक जाना पड़ता है, आजकल UPI देखने को मिल रहा है, सारी चीजें मतलब टैग ओरिएंटेड हो रही है, जिसके कारण CSE एंड ITEC में फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अब ये तो बात क्लियर हो गई कि लोग CSE, ITEC क्यों ऑप्ट करते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है, अब समझते हैं कंप्यूटर साइंस होता क्या है। मैं ज्यादा थ्योरी में नहीं जाऊंगा, कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ। सपोज कोई कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग से लेके सर्किट से लेके डिजाइन लेके हार्डवेयर से लेके जितनी भी चीजें वो आपकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आ जाती हैं। मतलब कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आपको ओवरऑल पैकेज देखने को मिलता है, आप हर चीज से रिलेटेड कहीं ना कहीं उस ब्रांच में पढ़ रहे होते हैं। एंड यहीं पे मैं आईटी के साथ कंपेयर करूं तो आईटी जो है वो कंप्यूटर साइंस का सबसेट है। आईटी में आपको हार्डवेयर वाला पार्ट नहीं मिलता है, आप थोड़ा सा सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, आप एप्स वगैरह बनाते हैं, वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, आपका मेन फोकस होता है एप्लीकेशन पे। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पे आपका हार्डवेयर वाला पार्ट भी आ जाता है, जो कि कहीं ना कहीं आईटी में आप नहीं करते हैं। तो आईटी जो है वो कंप्यूटर साइंस का सबसेट है। इन दोनों ही ब्रांच में बेस्ट चीज ये है कि कोई भी कंपनी कंप्यूटर साइंस के लिए आती है तो कहीं ना कहीं आईटी के लिए भी ओपन होती है। अब यहाँ पे गए सीएससी एंड आईटी में तो प्लेसमेंट्स हो ही जाती है, लेकिन जो बच्चे कोर ब्रांचेस में इंटरेस्ट रखते हैं उनका क्या? वी ऑल नो गाइस आज के टाइम पे कॉलेजेस में जो कोर ब्रांचेस के स्टूडेंट होते हैं वो स्किल्स एंड प्लेसमेंट्स को लेकर कितना सफर करते हैं, लेकिन अब ये टेंशन खत्म। यहाँ पे गाइस आपको स्किल लिंक देखने को मिल जाता है, जो कि आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी कई फील्ड्स में 250 से भी ज्यादा इंडस्ट्री रिलेवेंट कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, ताकि कोर ब्रांचेस में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स भी लेवल अप कर पाए। इनके कोर्सेज गाइस प्रैक्टिकल नॉलेज पे काफी फोकस करते हैं, ताकि स्टूडेंट जो है वो इंडस्ट्री रेडी हो पाए, एंड इनके सारे ही कोर्सेज इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए गए हैं, ताकि प्लेसमेंट्स के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे गाइस मुझे इनका जॉब गारंटी प्रोग्राम काफी बढ़िया लगा, जिसमें आपको पहले स्किल्स सिखाई जाएंगी, फिर आपका रेज्यूमे बनाने में हेल्प करेंगे, देन आपको काफी सारे मॉक इंटरव्यूज भी कराएंगे, देन फाइनली आपकी बढ़िया कंपनी में जॉब लग रही होगी। कंपनीज जैसे ओला इलेक्ट्रिक, टेक महिंद्रा, HCL, कैप जेमिनी और भी ऐसी 200 से भी ज्यादा कंपनीज पिछले 12 महीनों में गाइस इन्होंने 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट्स लगाई है। अगर आप भी अपना स्किल्स का एंड प्रैक्टिकल नॉलेज का गेम अप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारे व्यूअर है तो आपके लिए सीधे 15% डिस्काउंट का अरेंजमेंट किया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपको और भी कई ब्रांचेस देखने को मिल जाती है, कहीं आपको COE देखने को मिलती है, कहीं आपको CA देखने को मिल जाती है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर ही। लेकिन मैं बात करूं सिलेबस की तो ऑलमोस्ट 90% सिलेबस आपका सेम होता है, ठीक है, आप वही पढ़ रहे होते हैं, बस कुछ सब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे माइनस हो जाते हैं। एक और चीज़ है, आपको कंप्यूटर साइंस में आज के टाइम पे स्पेशलाइजेशन भी काफ़ी सारी मिल जाती है, AI ML हो गया, डेटा साइंस हो गया, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। तो बेसिकली कुछ सब्जेक्ट आपके उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को लेकर ऐड हो जाते हैं। अगर मैं CSE एंड ITEC में डिफरेंस की बात करूँ सिलेबस वाइज, तो ऑलमोस्ट 80% सिलेबस आपका सेम होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स क्या है कंप्यूटर साइंस एंड आईटी ब्रांच के, इसी पे हम लोग आएंगे, लेकिन पहले इसके प्रोज एंड कॉन्स जान लेते हैं। सबसे पहले आता है बूमिंग इंडस्ट्री। हमने यार पहले बात की सारी चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं, अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज तक यार मैं जितने भी रेस्टोरेंट गया वहाँ पे ना जो ऑर्डर्स हैं वो पेन एंड वो डायरी में लेते थे, लेकिन अभी रिसेंटली मैं एक रेस्टोरेंट में गया उसमें वो टैबलेट से वो ऑर्डर्स ले रहे थे, तो मुझे काफ़ी सही लगा। मतलब यार सारी चीज़ें टेक ओरिएंटेड हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं यार टेक आपका हर चीज़ में यूज़ हो रहा है। आज जितने भी ऑफलाइन स्टोर्स हैं आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं वो भी अपने स्टोर्स में टेक का यूज करने लगेंगे, तो इंडस्ट्री वाइज बहुत बूमिंग है, ऐसा माना जा रहा है कि आने वाला जो भी टाइम है वो टेक का ही है। सेकंड जो बात आती है वो है पे पैकेजेस। आजकल हम देखते हैं तो थोड़ा सा कोर ब्रांचेस से कंपेयर करें हम तो डेफिनेटली CSE एंड आईटी ब्रांच में आपको जो पे पैकेजेस हैं वो ज्यादा मिलते हैं।
तीसरा जो पॉइंट आता है वो टन्स ऑफ फील्ड्स। यार सीएससी आईटी के अंदर आपको बहुत सारी फील्ड्स देखने को मिल जाती है, जरूरी नहीं है कि आपको एक ही फील्ड में काम करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेटा साइंस में जाना है, एआई एंड एमएल में जाना है, यहाँ पे आपको वेब थ्री में जाना है, ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो आप अपनी फील्ड डिसाइड कर सकते हो, आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है, आपको हैकिंग में जाना है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इतनी सारी आपको वैरायटीज मिलती है जिससे आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पर्टिकुलर फील्ड चूज कर सकते हैं। फोर्थ अगर हम पॉइंट की बात करें तो स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज। कल अगर आप खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं एंड अगर आपकी सीएससी आईटी ब्रांच है तो कहीं ना कहीं आपको टैग के बारे में नॉलेज होगा। अगर आपके पास टैग के बारे में नॉलेज होगा, या तो आप प्रोडक्ट खुद बना लेंगे या तो आपको समझ होगी कि प्रोडक्ट काम कैसे करेगा जिसमें आप ज्यादा फीचर्स ऐड कर पाएंगे, नॉलेज आपको रहेगी तो कहीं ना कहीं आप बेटर प्रोडक्ट बना पा रहे होंगे। तो ये भी एक इसका फायदा है। कल को अगर आप कोई स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सीएससी आईटी जैसी ब्रांच हेल्प कर रही होगी। अब यहाँ पे ईसी को समझते हैं। ईसी को भी यार मैं बहुत ही सिंपल समझाऊं अगर आपको, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप नेटवर्किंग ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आपकी ईसी ब्रांच निकल के आती है, ठीक है। इसमें आप क्या सीखते हैं बेसिकली, आप यहाँ पे सर्किट्स के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, जो मोबाइल में आपके मदरबोर्ड्स होते हैं उनमें जो चिप्स होती हैं आप उनके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं, जो नेटवर्किंग होता है ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, एफएम हो गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप ईसी ब्रांच में पढ़ रहे होते हैं। अब यहाँ पे ईसी का फायदा ये है कि आप टेक की साइड भी जा सकते हैं एंड आप कोर की साइड भी जा सकते हैं। कल को अगर आपको कोडिंग करनी है तो आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं सीएससी आईटी वाली जो कि आपको कोडिंग के लिए अलाउ कर देती हैं। एंड यहाँ पे अगर आपको जैसे कोर में इंटरेस्ट आ रहा हो तो आप कोर कंपनीज में भी बैठ सकते हो। तो ईसी का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो जैसे जैसे आप टीयर थ्री कॉलेजेस में जाएंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सीएससी आईटी में अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही होती है। सेकंड में यहाँ पे बात आती है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, आप ईसी ब्रांच लेते हैं तो कोडिंग मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप एफर्ट्स डालते हैं कोडिंग को लेकर तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स यहाँ से हो सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका कौन है वो है करिकुलम। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट करिकुलम देखने को मिलता है सीएससी एंड आईटी के कंपैरिजन में। तो ये तो गाइस हमने बेसिक चीजें समझ ली। थोड़ा सा प्लेसमेंट मिथ के बारे में बात करते हैं कि भैया जो ये 45 लाख 50 लाख 60 लाख की जो प्लेसमेंट्स हैं क्या ये रियल हैं? क्या हमें महीने के बढ़िया 3-4 लाख रुपए मिल रहे होंगे? तो समझते हैं, जो भी यार आप प्लेसमेंट देखते हो हाईएस्ट पैकेजेस, ठीक है, वो आपका ना उतना पैसा आपको कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा होता है, ठीक है। वो एक मिथ है कि यार महीने में इतने पैसे बढ़िया आ रहे होंगे, ये गलत है। इसको प्लेसमेंट को बहुत चीज़ों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आपके ईसॉप्स होते हैं, आपका कुछ बोनस होता है, ज्वाइनिंग बोनस होता है, और भी कई चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो बेस सैलरी है उसके हिसाब से ही आपके जो पर मंथ पैसे आएंगे महीने में वो डिपेंड करेगा, ठीक है। सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो 45 लाख किसी कंपनी का हाईएस्ट पैकेज है, ठीक है। उसकी कहीं ना कहीं बेस सैलरी जो होती है वो 1 लाख रुपए से 1.5 लाख के बीच में वैरी करती है, कंपनी टू कंपनी वैरी करती है। अब बाकी जितने भी पैसे हैं वो कहीं ना कहीं आपको ईसॉप्स के थ्रू मिल रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो आपको बोनस के थ्रू मिल रहे होंगे। अगर कोई कंपनी आपको बोनस देती है, सपोज आपको उसने 1.5-2 लाख रुपए दे दिए स्टार्टिंग में, एंड बाकी का जो रिमेनिंग बोनस है वो कहीं ना कहीं आपको 1 साल बाद मिल रहा होगा। अब यहाँ पे बोनस भी कई टाइप के होते हैं, कुछ आपके ज्वाइनिंग बोनस होंगे, कुछ आपके परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस होंगे, ठीक है, जो कि पक्का भी नहीं है मिलेंगे कि भी नहीं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ होती है, ईसॉप्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, एंड इसके ऊपर ना आपका कैप लगा दिया जाता है। मतलब अगर आप 1 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको 25% दे देंगे, ठीक है। अगर आप 2 साल कंप्लीट करते हैं तो रिमेनिंग 25 दे देंगे, एंड आप 4 या 5 साल कंप्लीट कर देते हैं तब जाके आपको सारे के सारे ईसॉप्स मिल रहे होते हैं। कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। एंड ईसॉप्स का भी यार एक ये है कि जैसे अगर आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया आपको 25% ईसॉप्स मिल गए, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि वो आपने बेच दिए तो आपको सारे पैसे मिल जाएंगे। उन ईसॉप्स पे जितना भी टैक्स लग रहा होगा वो आपको पहले पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक्स मिल रहे होते हैं, आप उनको सेल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कंपनी को ही दे सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे भैया जो इन हैंड सैलरी आती है वो कितनी आती है, तो 1-1.5 लाख आप पकड़ सकते हो। टॉप जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो देती है यहाँ पे आपको। बाकी यहाँ पे और भी कई कंपनीज होती है जिनका पैकेज 16 लाख 20 लाख होता है, एंड उनकी बेस सैलरी 12-14 लाख होती है। तो ऐसे केस में भी आपको 1-1.5 लाख के बीच में कहीं ना कहीं मंथली सैलरी मिल रही होती है। जरूरी नहीं है कि 45 लाख वाली कंपनी ही आपको 1 लाख रुपए दे रही है, आपको 16 लाख सीटीसी वाली कंपनी भी 1 लाख के आसपास महीने का दे सकती है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो ये था गाइस आज का वीडियो जिसमें हमने सीएससी आईटी ईसीए के बारे में जाना, बेसिक सारी चीजें हमने कवर कर ली है। और किस किस ब्रांच के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कोर ब्रांचेस के बारे में चाहिए मुझे कमेंट करके बताओ, उनकी अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा मैं आपको, सारी चीजें कवर कर रहे होंगे। एंड स्किल लिंक को चेकआउट करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, 15% या सीधे आपको ऑफ मिल जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, पीस आउट।